कहते हैं वर्ण की परिभाषा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ण की परिभाषा क्या है या वर्ण किसे कहते हैं। अगर कभी सवाल आता है कि वर्ण किसे कहते हैं तो आप लोगों को क्या जवाब देना है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड ना हो सके वर्ण कहलाते हैं। और खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़े। टुकड़े नहीं भैया, टुकड़े, ठीक है, जिनको तोड़ा ना जा सके। अब जैसे उदाहरण देखिए, ये है ए, ई, उ, उ, सारे छोटे वाले हैं, ए, ई, उ, उ, क, कानी, क, अब अगर ये जब हलन, इसे बोलते हलन, ठीक है, इसका मतलब है आधा का है। जब का से कबूतर लिखते हैं तो ये लिखते हैं ना, इसके नीचे में कुछ नहीं आते। अब ये मेल किसका होता है? ये इसको अगर हम इसके टुकड़े करें, इसके खंड करें, तो एक को आएगा ये का प्लस ए, ठीक है, तब बनेगा ये इन दोनों से। ये चर में हलंत लगा तो ये क्या है? आधा है, ठीक है, ऐसे ही धा है। तो अगर इनको पूरा करना है तो इसके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा? ए, ठीक है। चलिए, समझ में आया आपको? यस सर। समझ गए ना? यस सर। हाँ, इसके बाद होता है कि वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? हैं? वर्णों के समूह को जब हम बहुत सारे वर्ण इकट्ठे लिखते हैं तो उनके समूह को क्या कहा जाता है? हैं? बताइए, बताएगा कोई? बताइए। वर्णमाला। वर्णमाला, बहुत बढ़िया। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। वर्णों के समूह, ठीक है, वर्णमाला मतलब वर्णों का समूह, ठीक है। अब वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कोई बताएगा? 36। इसको भी हमने दो समूह में बांटा है, वर्णमाला को दो समूह में बांटा है। कौन कौन से बताइए, सोचिए जरा। सहज के है, आप बता दोगे? बहुत बढ़िया। ये दो समूह होते हैं वर्णमाला में, दो होते हैं ना? यस सर। दो प्रकार के? यस सर। ठीक है, अब स्वर किसे कहा जाता है? और कोई बताओ। छोटे शब्द जो छोटे शब्द होते हैं जो खुद के द्वारा बोले जाते हैं, कह रहे हैं, आगे बताओ। जिनमें कोई मात्रा नहीं लगती उन्हें स्वर कहते हैं। और जिनमें मात्रा लगती है, भाई स्वर उन्हें कहा जाता है जिनमें, जिनको बोलने में किसी अन्य ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता। जैसे मैंने बोला जिनमें किसी अन्य ध्वनि का, अन्य ध्वनियों का सहारा ना लिया जाए, ठीक है। जैसे ये है ना, लेकिन इनके भी कई सारे प्रकार है, ठीक है, इनके कई सारे प्रकार है, अभी उन पर चलते हैं। 11 11 बता दे रहा, अभी
ग्यारह स्वर होते हैं लेकिन स्वरों को उच्चारण के आधार पर, उच्चारण यानी कि बोलने का, ठीक है, जब हम बोलते हैं तो उसमें कितना जोर लगाया जा रहा है होता है ना बोलते समय। अगर हम ए बोले तो हमें कम बोल रहा है, तो लंबा हो जाता है। तो इसी आधार पर स्वरों को तीन प्रकार का प्रकार से बांटा गया है, उच्चारण के आधार पर तीन प्रकार से। जैसे पहला है ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब होगा कम, जिनमें जोर कम लगाना पड़ता है बोलने में, ठीक है, ज्यादा जोर देके बोलना नहीं उसको, ज्यादा हमें ऊर्जा ज्यादा नहीं लगानी पड़ती, जिन शब्दों का उच्चारण बहुत थोड़ा समय लगता है, कम समय में बोल देते हैं। ये वाले स्वर कौन से है, ह्रस्व। उसके बाद है दीर्घ, जो ह्रस्व शब्द, ह्रस्व शब्दों के से बोलने में दो गुना समय लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है, दीर्घ, ठीक है, उनको कहा जाता है दीर्घ स्वर, क्योंकि वो दो गुना समय ले रहे हैं, किससे, ह्रस्व से, ठीक है, बोलने में। उसके बाद कुछ होते हैं प्लुत, ठीक है, जिनको बोलने में जो दीर्घ वाले हैं, दीर्घ स्वर, उनसे भी अधिक समय लगे, उन्हें क्या कहा जाता है, प्लुत, प्लुत स्वर। जैसे ओम, ओम लिखा है ना, ओ थोड़ा ओम बोलते ना, थोड़ा लंबा सा कहते हैं ओम, और इनका प्रयोग किसलिए किया जाता है, ज्यादातर दूर से बोलने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो उनको कहा जाता है प्लुत। तो हमारे अधिकतर स्वर कौन से हैं भाई, ह्रस्व और दीर्घ है, ठीक है, पता है ना सभी को, पता चल गया, तो चलिए और बाकी बातें हम आगे जानेंगे, फिलहाल इसको आप लिखिए अपनी कॉपी में, नोट कीजिए, ठीक है, और समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ सकते हैं, कल फिर चर्चा करेंगे हम इसी पीरियड में, ठीक है, चलिए जय हिंद जय